गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 को हल करेंगे। तो सभी छात्र देखें एक्सरसाइज 5.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें प्रथम पद सार्वांतर दिया हुआ है और nवें पद को an दिया हुआ है। तो इस टेबल में जो मान रिक्त स्थान है उसमें सही मान ज्ञात करके भरना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें एन व पद इसको हम एन व पद को ए एन बोलते हैं। इसका मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आप फार्मूला को याद कर लेंगे। अब हमको यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है 7 प्लस एन दिया हुआ है 8 माइनस 1, डी दिया हुआ है 3। तो ये किसके बराबर है ए एन के। इसको थोड़ा सरल कर लें तो ए एन इक्वल टू आ जाएगा आपका 7 प्लस 7 इंटू 3 21, और इतना किसका मान कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा आपका 28। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में हम ए एन का फार्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन दिया हुआ है 0 और ए दिया हुआ है माइनस 18 प्लस एन इक्वल दिया हुआ है 10, 10 माइनस 1 और डी हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9d इक्वल टू 18। तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी हो गई 2। इसी प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम वही nवें पद का फार्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ पर an की वैल्यू दी हुई है माइनस 5 इक्वल इक्वल ए प्लस एन दिया हुआ 18 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दिया हुआ है माइनस 3। तो इसको सिंपल कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल ए, ये कितना हो जाएगा 17 इंटू माइनस 3। तो 17 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा 17 में 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 7 इंटू 3 21, 1 रिमेनिंग 2 और 3 एंड 2 5 51। तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 51 माइनस 5 इक्वल टू 46। तो यहाँ पर सही आंसर कितना आएगा 46। इसी प्रकार से सभी स्टूडेंट्स फोर्थ और फिफ्थ को भी करेंगे। यदि कोई दिक्कत जाती है तो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीसरा पद दिया हुआ है तो हमको चेक करना है कि इसमें तीसरा पद जो है कौन सा इसमें चार में से सही है। तो T30 का फार्मूला क्या होगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a कितना दिया हुआ 10, 30 कितना हो जाएगा 29 और d इक्वल टू कितना है यहाँ पर है 7 माइनस 10 माइनस 3। तो हम यहाँ देखते हैं कि a इक्वल टू श्रेणी में
और d इक्वल टू आ जाएगा आपका सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर दिया तो इक्वल टू माइनस थ्री। इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए, टेन माइनस 29 इंटू थ्री तो 9 इंटू थ्री 27, रिमेनिंग 2 और 3 इंटू टू 6, 6 एंड 2 87। तो इसमें से 10 सबट्रैक्ट किया तो माइनस 77, यह करेक्ट आंसर है। तो इसमें से चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए उसमें कौन सा आंसर सही होगा, सी। तो सही आंसर है इसका सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको इसमें श्रेणी में 11वां पद कौन सा है वो हमको सही आंसर इसमें से चुनना है। तो T11 इक्वल ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना दिया हुआ है, माइनस 3 माइनस 3 प्लस 10 और d इक्वल टू, तो d के लिए आप देखेंगे कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट कर दिया तो माइनस 1 बाई 2 और फर्स्ट को सबट्रैक्ट किया तो प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 1 तो प्लस 5 अपॉन 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 5/2। तो इसको सिंपल कर लेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 प्लस 10 इंटू 5 50 अपॉन 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 44 अपॉन 2 कितना 22। तो ये 22 इसका सही आंसर है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, बी। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव में आंसर बी जो है करेक्ट है। अब हमको सही खानों में समांतर श्रेणी के पद का मान रखना है। तो हम देखते हैं कि पहला चेक करते हैं, इसमें a इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2 और तीसरा पद दिया हुआ है 26। तो आप T3 का फॉर्मूला लगाइए, T3 इक्वल टू होगा a प्लस 2D। तो a इक्वल टू 2 रखा और इसका मान कितना दिया हुआ है 26, तो 2 प्लस 2D इक्वल 26। तो 2D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 माइनस 2 इक्वल 24। अब हम d इक्वल टू हो जाएगा आपका 24 अपॉन 2 इक्वल 12। तो हमको सेकंड टर्म चाहिए, सेकंड टर्म कितना होती है a प्लस डी। ए दिया है आपका 2 और d दिया हुआ है 12, तो कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पर सही आंसर कितना होगा, 14। तो यहाँ आंसर आएगा आपका 14। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, तो सेकंड क्वेश्चन में हमको सेकंड टर्म दी है और फोर्थ टर्म दी है। तो इसको सेकंड वाला देखें क्वेश्चन, सेकंड टर्म यानी a प्लस डी इक्वल टू दिया हुआ है 13 और फोर्थ टर्म दी हुई है a प्लस 3D इक्वल टू 3। इनको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। सबट्रैक्ट करने में a और a कैंसिल हो गया, माइनस 2D इक्वल 10, तो d इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस 5। ठीक है, तो
तो हम यहाँ सेकंड टर्म में मान रखते हैं कि हमको यहाँ दिया हुआ है कि a प्लस ए माइनस फाइव इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 प्लस 5 इक्वल 18। तो यहाँ पर पहले कॉलम में जो आएगा बॉक्स में आएगा 18, तो यहाँ पर 18 आएगा। अब हमको थर्ड वाला चाहिए, तो थर्ड में कॉलम में तो थर्ड के लिए हमको a3 a+2d, तो a इक्वल टू आपका दिया हुआ है 18 प्लस 2d दिया हुआ है माइनस 5, तो यहाँ आ जाएगा 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर सेकंड वाले बॉक्स में क्या आएगा आपका 8 आंसर, तो ये आंसर है। इसी प्रकार से सभी बच्चे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।